दोस्तों ने कभी यूं ही बैठे बैठे जाने अनजाने में स्टार्टअप करने का नहीं सोचा तो क्या खाक दोस्त बनाया भाई जीवन में तुमने। मतलब हम सब ने एक बार अपने ग्रुप में तो कहा भाई कुछ स्टार्टअप करते हैं। ग्रो पैसा कहाँ से आएगा इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क। और चलो एक बार को पैसा आ भी गया तो पैसा लगाएंगे कहाँ और कैसे, ये तो बड़ी समस्याजनक बात है यार। एक बार को पैसा लगा भी दिया तो उस पैसा लगाने से जो प्रॉफिट होगा हाउ आर वी गोना डिवाइड दैट प्रॉफिट। उसको बस चलो 1:1 शुरू में जोश जोश में कह देते हैं बट ऐसा होता नहीं है, बहुत दिक्कतें आती हैं। लाइक कभी सोचा है कि हमने सारी मैनेजमेंट सीख ली, हमने मैनेजमेंट समझा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझे, एनवायरनमेंट समझ लिया, पांचों फंक्शन समझ लिए बहुत अच्छे से, इस बोर्ड बोस में भी बहुत मजा दिला दिया, बट पैसा कैसे मैनेज होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा और फिर जहाँ से आएगा वो कैसे बटेगा। थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड राइट। बट बोर्ड बूस्टर सीरीज जब यहाँ है तो मैं कुछ ज्यादा नहीं करना, अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाना, नहीं चलेगा आपसे कोई भी जी। तो देखो भैया बात सरल सी सिंपल सी स्पष्ट सी यही है, सिर्फ छोटी सी कि पैसा कहां से आएगा, कहां को जाएगा और जो आएगा वो बटेगा कैसे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फंड्स में डील करता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स यानी कि जो उनको लाना है, जो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स जो पैसा लगाना है, जो पैसा जाना है, समझ गए। उसके बाद जो प्रॉफिट होंगे उनका क्या होगा। अब देखो शुरू से हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर यहां तुम्हारे रिवाइज कर रहा हूं तो दैट इज कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। 11th क्लास के शुरू में ही हमने पढ़ लिया था कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेस ओनर अलग होता है और दोनों को सेपरेट एंटिटीज कंसीडर करना होता है। समझ गए। तो तीन मेजर डिसीजंस थे। सबसे पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है, मैं टर्म्स बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना, फिर व्हाइट बोर्ड पर चलके और इलैबोरेटिव तरीके से समझेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन वो डिसीजन होता है जहां पे हम सोचते हैं कि हम अपने बिजनेस को फाइनेंस कैसे करने वाले हैं। फाइनेंस वर्ड का मतलब है कि पैसे इसमें आएंगे कहां से। इसमें दो मेजर चीजें होती है, एक होता है ऑनर्स फंड, एक होता है बोरोड फंड। अभी टीवी पे आ रहा है शार्क टैंक, मान लो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने कुछ स्टार्टअप शुरू किया एंड अभी तुमने उसमें खुद के पैसे लगा दिए, थोड़े बहुत जितने तुम्हारे पास सेविंग, थोड़े बहुत घरवाले से मार खा के पैसे आ गए और तुम अपने स्टार्टअप का आइडिया लेके गए शार्क टैंक में। तुमने कहा कि भैया मुझे आप एक काम करो, आप 50 लाख रुपए दे दो 10% इक्विटी के बदले। तुम्हें पता है इक्विटी क्या होती है, बहुत मेजर बहुत कॉमनली यूज्ड टर्म है इक्विटी। इक्विटी वर्ड का मतलब होता है ऑनर्स फंड। इक्विटी जो है बिजनेस में जिसकी है, दैट पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड वो पूरा पूरा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहेगा, वो पूरा पूरा मैनेजमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाएगा और वो बंदा बिजनेस का मालिक है, ठीक है, उसका पूरा हक है बिजनेस की जायदाद पे। कल को बिजनेस ग्रो होता है तो उसका पैसा भी ग्रो होता है। इक्विटी का ये मतलब है कि दैट पर्सन दैट फंड इज द ओनर्स फंड। वहीं पे सामने से जो शार्क है वो ऑफर मारते हैं कि यार मैं 50 लाख दूंगा लेकिन मैं 10% इक्विटी नहीं लूंगा, मैं 50 लाख में 25 लाख तुझे इक्विटी दे रहा हूँ, 25 लाख तुझे डेट दे रहा हूँ, डेट एट द रेट 12% पर एनम एंड इक्विटी के बदले मैं तुझसे मांग रहा हूँ 5-7% की। समझो हुआ क्या है यहाँ पे, बात क्या आई है यहाँ पे भैया। सिस्टम छोटा सा ये हुआ है कि इक्विटी इज द ओनर्स फंड वेयर एज डेट इज द बोरोड फंड। एक बिजनेस के लिए दो तरीके होते हैं अपने आप को फाइनेंस करने के लिए। नंबर वन, इसकी जो मालिक है, जो बिजनेस का ओनर है, वो पैसा लगा दे, चाहे तुम दोस्त पैसा लगाओ, चाहे अपने अपने पेरेंट्स से लाके पैसा लगाओ, चाहे तुम किसी बाहर वाले से पैसा लगवा दो, लेकिन उसको बिजनेस का मालिक बना दो। दैट इज नंबर वन ऑप्शन व्हिच इज कॉल्ड इक्विटी और ओनर्स फंड। दूसरा ऑप्शन होता है बोरोड फंड या डेट। डेट क्या होता है, डेट होता है कर्जा। सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो डेट बाहर वाले का पैसा है जो उसने बिजनेस को उधार दिया एट अ फिक्स परसेंटेज फॉर अ फिक्स टेन्योर। वो जो शार्क कहता है कि तुम मेरे से 25 लाख लेते एट द रेट 12% पर एनम फॉर 10 इयर्स या फॉर मे बी 5 इयर्स या फॉर मे बी 20 इयर्स, उसके अंदर एक फिक्स टेन्योर आएगा एंड वहां पे उनकी इनकम फिक्स है कि उनको इतने XYZ% ही मिलेगा, ना कम ना ज्यादा, चाहे बिजनेस घाटे में जाए चाहे बिजनेस अरबों रुपए कमाए, उनको उसी पैसे का इंटरेस्ट मिलेगा। दैट इज जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज द सेम केस विद डिबेंचर्स और डेट। फाइनेंसिंग डिसीजन डील्स विद द डिसीजन कि यार हमें कितने परसेंट इक्विटी रखनी है एंड कितने परसेंट डेट रखना है, मेरे बिजनेस की जो टोटल कैपिटल है उसका कितना पोर्शन ऑनर्स फंड होगा और कितना पोर्शन बोरोड फंड होगा, ठीक है, ये हमारा एक मेजर डिसीजन होता है। जितने भी सवाल है, जितने भी डाउट्स है, सबर रखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ग्रेजुअली चलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब पैसा जो आ गया, हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, 10 लाख हमारे पास खुद के थे, 50 लाख हम शार्क से ले आए, 60 लाख रुपए हम लगाए कहां,
जो हम बिजनेस करने वाले हैं उसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इस डिसीजन के अंदर तुम्हारा मेन पर्पस होता है कि मैं पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाऊं या अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में लगाऊं। दो तरह की एसेट्स होते हैं, नंबर वन इज फिक्स्ड एसेट एंड नंबर टू इज करंट एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट होती है जो एक बार इन्वेस्ट कर दिया एंड वो एसेट्स तुम्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अप टू इयर्स तुम्हें बेनिफिट देंगे, तुम अपना काम करेंगे, पर्पस पूरा करेंगे, वो उनका काम है। जैसे मशीनरी, लैंड, ठीक है, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो आइटम्स हैं ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है, एक बार की इन्वेस्टमेंट एंड इयर्स एंड इयर्स तक अपनी सर्विस देती है। वहीं कुछ चीजें होती हैं जो एक साइकिल में ही खत्म हो जाती है। जैसे मैंने स्टॉक के लिए कुछ मंगवाया, वो स्टॉक जो खरीदा वो वर्किंग कैपिटल के अंदर जाएगा। जो लेबर को मैंने पे किया वो मेरी वर्किंग कैपिटल का खर्चा है, जो मेरे रेडिली यूज होने वाले रॉ मटेरियल है वो मेरे वर्किंग कैपिटल का खर्चा है, या मैं कहीं का रेंट भर रहा हूं तो मेरा वर्किंग कैपिटल है। तो समझो बेसिक सी बात, जो एसेट मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या जो मैं एक्सपेंस कर रहा हूं, जिसका पूरा का पूरा पे ऑफ मेरा विद इन वन ईयर हो जाएगा या विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा, वो मेरी एक साइकिल के अंदर कवर हो रहा है, दैट इज माय करंट एसेट, एंड उसके बाहर जा रहा है दैट इज फिक्स्ड एसेट। बहुत बेस लेवल की बातें बता रहा हूं मैं। अब जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा डिसीजन होता है कि मेरे पास जो भी फंड्स मुझे लगाने हैं उसका कितने परसेंट मैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाऊं, कितने परसेंट मैं अपना बचा के रखूं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। सरल सी बात है, ठीक है, समझ गए। तीसरा डिसीजन आता है कि यार हमने पैसे निकालवा भी लिए, चाहे वो ओनर फंड से निकलवाए, चाहे वो डेट फंड से निकलवाए, पैसे लगा भी दिए, चाहे वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में लगाए, चाहे हमने लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट में लगाए, उसके बाद अब जो प्रॉफिट्स आए, जो भी प्रॉफिट्स आए, मैंने शुरू में क्या कहा, बिजनेस और बिजनेस ओनर आर टू डिफरेंट एंटिटीज। अब उन प्रॉफिट में से सबसे पहले तो मैं डेट वालों का इंटरेस्ट दूंगा, मतलब जरूरी है, वहां कोई डिसीजन ही नहीं है, वहां कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, वो तो देना ही है। अब जितना भी प्रॉफिट है उसमें से कितने परसेंट मैं अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, यार तुमने कंपनी में इन्वेस्ट किया, तुम्हारी वजह से कंपनी चल रही है, तो ये लो तुम भी इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा खाओ, और कितने परसेंट मैं कंपनी में रिटेन करके रखूं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। तीन डिसीजन होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन विच डील्स विद कि पैसा आएगा कहां से, कितने कितने परसेंट, किस रेशियो में ओनर्स फंड होगा, किस रेशियो में डेट्स फंड होगा। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच डील्स विद कि पैसा लगेगा कहां पे, लॉन्ग टर्म एसेट्स में या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है। एंड तीसरा डिसीजन होता है हमारा मेजर डिसीजन कि जो प्रॉफिट्स जनरेट हुए हैं उसका कितने परसेंट हम डिविडेंड दे देंगे एंड कितना हम रिटेन करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पे हम व्हाइट बोर्ड पे चल के जल्दी से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, एज ऑफ नाउ, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे दोस्त के साथ स्टार्टअप से पहले एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन है तुम्हारे करियर का डिसीजन। टू बी ऑन अ सेफर साइड, तुम में से मेजॉरिटी लोग कुछ डिग्री तो करोगे ना, 12th के बाद डायरेक्ट स्टार्टअप में नहीं जाओगे क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो तुमको जो भी डिग्री करने वाले हो, बीट, बीकॉम, बीएमएस, बीबीए, या तुम आईपी मैट को टारगेट कर रहे हो, या तुम डीओ को टारगेट कर रहे हो, या तुम बीए को टारगेट कर रहे हो, तुम जो मर्जी टारगेट कर रहे हो, तुम्हें उसके अराउंड क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि जिस करियर ऑप्शन में मैं जा रहा हूँ वहाँ होता क्या, क्या प्रोस कॉन्स है, क्या डार्क रियलिटी है, क्या हार्श ट्रुथ है जो बहुत से इंटरनेट की इनकम्प्लीट और मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन के पीछे छुपा हुआ है। एडुकैप्टर निकाली अपनी केवाईसी, पेटीएम वाली नहीं है ये, एडुकैप्टर की केवाईसी है, विच मींस नो योर करियर, जहां वेल रिसर्च एंड वेल प्रोड्यूस कंटेंट तुम्हें मिलेगा, जहां जाके तुम अच्छे से अपने करियर के बारे में जान सकते हो। लेकिन द मेजर कैच इज, वापस आते हुए तीन डिसीजन पे, इन तीनों डिसीजन का मेजर एंड गोल क्या रहता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने समझा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो यही है कि ये तीनों डिसीजन बहुत अच्छे से लिए जाए, बट ये तीनों डिसीजन का एंड गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये तीन वर्ड्स याद रखना, जादुई वर्ड्स है। इस चैप्टर में कहीं भी फंसो इस कॉन्सेप्ट को लेकर ना समझ आ जाएगा। आगे इस चैप्टर में बहुत से पॉइंट्स है, अगर याद करने बैठोगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स भूल जाओगे। तो याद कुछ नहीं करना, बस समझना है एक एंड गोल को लेके, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर कौन होते हैं भाई, कंपनी के मालिक। एक बेसिक सी ह्यूमन साइकिल लगा ली है कि हमारा एंड गोल है मालिक का पैसा बढ़ाना। अगर मालिक ने आज 10 लाख रुपए लगाए हैं तो बिजनेस को इस तरीके से चलाना कि वो मालिक के 10 लाख 10 से 11 हो, 11 से 12 हो, 12 से 15 हो, 15 से 20 हो। हमारे हर डिसीजन का जो एंड गोल है, जो उसका बेस रहेगा, जो रूट लेवल रहेगा, वो यही सोच के डिसीजन लिया जाएगा कि यार हमारे मालिक का पैसा बढ़ जाए, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी, ठीक है। अब चलते हैं अपनी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे एंड तीनों डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स की लिस्ट देखते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, एंड डिविडेंड डिसीजन को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है। ध्यान रखना, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का बहुत अजीज स्टार्टअप है, तुम्हें आइडिया लीक नहीं करना, और तुम शार्क टैंक में लेके भी जा चुके हो, बट अभी तुम्हारे मन में बहुत सी दुविधाएं हैं कि पैसा कितना कितना ले, कितना इक्विटी ले, कितना डेट ले, लगाए कहां पे और डिविडेंड कैसे बांटे, हम खुद के रखें कंपनी के नाम पे कितना रखें, बहुत सी दिक्कतें हैं। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर, देखते हैं भैया सिस्टम काम कैसे करने वाला है। लेट्स हैव अ लुक।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो हेयर वी आर। अब हम पढ़ने वाले हैं तीन मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस। देखो सबसे पहले तो फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में कंफ्यूज मत होना। फाइनेंसिंग डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, और फाइनेंशियल डिसीजन तीन मेजर होते हैं। अब इनको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इधर आ जाओ, ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है, इसका नाम याद रखना। दूसरा, कैपिटल बजटिंग। भैया सिंपल सी बात है कि यहां हम देखते हैं कि हमें पैसा जो लगाना है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाना है या वर्किंग कैपिटल के प्रोजेक्ट्स में लगाना है। एंड ऑल्सो अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाना है तो वहां भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं किस में लगाना है। हमने सपोज कर लिया तुम्हारा जो बिजनेस है वो एक सर्विस बिजनेस है, मान लो तो तुम्हारी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, ठीक है। तुम्हारे सामने भी दो ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के। नंबर वन इज एक ऑफिस ले ले रेंट पे, भैया उसका मंथली रेंट पे करें। एंड नंबर टू इज एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर तुमसे मंथली फी चार्ज करता है, वो सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, ठीक है। तुम्हारा जो स्टार्टअप था उसके लिए तुम्हारे पास अपने पैसे लगाने के लिए दो जगह है, इन्वेस्टमेंट के लिए दो ऑप्शंस है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम एक ऑफिस रेंट पे लोगे या फिर तुम सॉफ्टवेयर लोगे। उसको इंपैक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है। उन फैक्टर्स से पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में कुछ बातें जान लो। नंबर वन की ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, ठीक है। कैपिटल बजटिंग की जब बात आ जाए, कैपिटल बजटिंग जनरली लॉन्ग टर्म पे फोकस करती है। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है और ये रिस्क इन्वॉल्व करता है, ये बहुत मेजर रिस्क इन्वॉल्व करता है, इसीलिए इसको ध्यान से इवैल्यूएट करना जरूरी है। रिस्क की जब मैं बात कर रहा हूं, तुमने एक बार पैसा ब्लॉक कर दिया तो मे बी तुम्हें वो इंस्टेंटली जब तुम चाहो वो वापस ना आए, वो लिक्विड फॉर्म में ना हो कि जिस दिन मैं चाहूं कैश में कन्वर्ट हो जाए। तुम्हें बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना होगा। एंड सबसे मेजर चीज आती है इधर, ये इररिवर्सिबल डिसीजन होता है, ठीक है। एक बार कर दिया तो कर दिया, रिवर्स नहीं हो सकता, समझ गए। अब इसको इन्फ्लुएंस करने वाले तीन मेजर फैक्टर्स हैं। नंबर वन इज रेट ऑफ रिटर्न। देखो मैंने तुम्हें बताया कि एक तरफ हम लगा रहे हैं ऑफिस में, दूसरी तरफ हम लगा रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो दोनों केस में कुछ रेट ऑफ रिटर्न होती है। लाइक अगर हमने मान लो 10,000 रुपए महीना लगाया, पर वन कंप्लीट ईयर लगाया, हमने साल के 120,000 रुपए लगा दिए हैं इस चीज पे, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रही है, हम कितने परसेंटेज से अर्न कर रहे हैं, हमारे जो 120,000 की इन्वेस्टमेंट है उस डायरेक्ट सोर्स से हमें वापस कितना मिल रहा है, हमें ये इवेल्युएट करना होगा। एक बिल्कुल ही बेसिक से केस में अगर माने कि दोनों में रिस्क सेम है, तो रेट ऑफ रिटर्न अगर ऑफिस में हमें 8% मिल रहा है और सॉफ्टवेयर में 12% मिल रहा है, तो विल गो विद सॉफ्टवेयर। इसको जब तुम एक्सप्लेन करने लगोगे ना, तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जांपल में सपोज करो एक मशीन ए है, एक मशीन बी है, मशीन ए में 8% रेट ऑफ रिटर्न है, मशीन बी में 12% रेट ऑफ रिटर्न है, एंड रिस्क सेम है, तो विल गो विद मशीन बी। रेट ऑफ रिटर्न होता है कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट पे कितना बैक मिल रहा है। कैश फ्लोज क्या होता है भैया, कि जब भी हम किसी चीज पे पैसा लगाते हैं तो वी एक्सपेक्ट सर्टेन कैश इनफ्लोज के, पैसा लगाना इज कैश आउटफ्लो, ठीक है, पैसा बिजनेस से जा रहा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब से कुछ टाइम बाद इससे कैश इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा, पर मंथ या पर क्वार्टर या एनी हाउ कैश इनफ्लो होगा, तो हम कैश इनफ्लोज को इवैल्यूएट करते हैं। अगर हम ऑफिस में पैसा लगाते हैं, लेट्स सपोज अगर हम ऑफिस में पैसा लगाते हैं, कैश फ्लोज थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, लेट्स से 50,000 रुपए आ रहे हैं पर क्वार्टर, एंड अगर हम सॉफ्टवेयर में लगाते हैं तो 40,000 रुपए पर क्वार्टर आ रहे हैं। पर भैया हमें तो मेन इनकम से मतलब है ना, हमें कैश से मतलब नहीं है। अगेन ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, हम सिर्फ और सिर्फ इनकम को लेकर नहीं चल सकते, कैश भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों फैक्टर्स है, तुम्हें एब्सोल्यूट डिसीजन पे नहीं आना कि ये बिजनेस है तुम बताओ क्या करना चाहिए इसको, नहीं, तुम्हें फैक्टर समझा रहे हैं कि इस फैक्टर से क्या इंपैक्ट होता है। रेट ऑफ रिटर्न समझ गए, कैश फ्लो समझ गए। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन दोनों को छोड़ के जितने भी ऐसे न्यूमेरिक फॉर्मूलाज हैं, ये याद रखना, न्यूमेरिक फॉर्मूलाज या न्यूमेरिक इंडिकेटर्स, ठीक है, जैसे कि अब मैं अगर तुम्हें नाम बताऊंगा तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, बट दो नाम याद कर लो बहुत इजी से, एनपीवी एंड आईआरआर। ये जब तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और डेप्थ में पढ़ोगे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था फिफ्थ सेमेस्टर में, तो उसके अंदर बहुत से मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टू जज कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है या ये वाली इन्वेस्टमेंट अच्छी है। उनके लिए हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं, तो जिसका बेटर होता है उसकी तरफ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व जस्ट सेज कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, अदर पॉसिबल इंडिकेटर्स हैं, उनको ध्यान में रखो एंड उनके बाद तुम डिसाइड करो, जज करो। यहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जाता है खत्म, समाप्त, बिल्कुल फिनिश। अब बढ़ते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की तरफ। फाइनेंसिंग डिसीजन में एक छोटी सी बात तुम्हें और समझनी है। नंबर वन इज व्हाट, इक्विटी, ठीक है, एंड नंबर टू इज डेट। मुझे हर वीडियो में कहते हुए शर्म आती है, बट राइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इक्विटी के अंदर जो रिस्क होता है, देखो दो चीजें हैं, एक है रिस्क, एक है कॉस्ट। एक है रिस्क, एक है कॉस्ट। मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। इक्विटी कैपिटल के अंदर रिस्क इज मिनिमम, बिल्कुल रिस्क ही नहीं है, एंड कॉस्ट इज हायर। डेट के अंदर रिस्क इज हायर एंड कॉस्ट इज लोअर। ऐसा क्यों होता है?
डेट की जो कॉस्ट है वो एक फिक्स परसेंटेज पे, लेट्स से 12% है, एंड इक्विटी की कॉस्ट फिक्स नहीं है. इक्विटी की कॉस्ट कैन बी एज हाई एज योर प्रॉफिट्स आर, क्योंकि बिजनेस एट द एंड ऑनर्स का है. अब मैं अगर कहूं दोनों को अलग अलग देखो, बिजनेस अगर पैसा कमा रहा है तो वो पैसा जा तो इक्विटी वालों के पास जाए, वो इक्विटी वालों की संपत्ति है, उनकी एसेट है, उनकी कैपिटल है, तो बिजनेस के लिए तो इक्विटी की कॉस्ट कितनी ज्यादा हुई. मुझे इक्विटी से पैसा लेने के बदले उनको कितना कुछ देना पड़ रहा है वर्सेस डेट से पैसा लेने के बदले तो एक फिक्स अमाउंट देनी पड़ रही है, तो कोई ज्यादा नहीं है. लेकिन रिस्क की जहां बात आती है वो डेट के अंदर रिस्क ज्यादा है और इक्विटी के अंदर रिस्क कम है, क्योंकि डेट का अगर हम पैसा नहीं लौटा पाए तो हमारे हमें एसेट्स बेचनी पड़ सकती है, हमें कुछ भी करना पड़ सकता है टू रिकवर दैट मनी. लेकिन अगर इनको पैसा नहीं दे पाए तो क्या होगा, अपना ही पैसा, घर की बात, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब लेट्स सपोज फॉर दिस होल केस कि तुम गए थे शार्क टैंक में, तुम्हारे पास अभी 10 लाख रुपए है खुद के, एंड शार्क टैंक से तुम 25 लाख रुपए ले आए अपने डेट. ठीक है, ये 10 लाख रुपए तुम दो दोस्तों के, टू फ्रेंड्स एंड 1:1 हमने डिसाइड कर लिया फॉर हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एंड जो 25 लाख रुपए तुम डेट लाए हो दैट इज फॉर 10 इयर्स एट द रेट 12%, ये हमने अजम्पशंस मान ली. अब देखते हैं फैक्टर्स क्या, टू फैक्टर्स इफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. नंबर वन इज कैश फ्लो पोजीशन. ठीक है, एक कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, उसके पास कैश कितना आता जाता रहता है. अगर कैश फ्लो पोजीशन हेल्दी है, मतलब अच्छा कैश आ रहा है, अच्छा कैश जा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो अच्छा चल रहा है, तो हम एट एनी गिवन पॉइंट डेट का पैसा चुका सकते हैं, हम डेट का इंटरेस्ट दे सकते हैं. अगर कैश हेल्दी है तो वी शुड रिजॉर्ट टू डेट, अदरवाइज वी शुड नॉट. अब इसके अंदर ना इन सारे फैक्टर्स के एक्सप्लेनेशन में तुम्हें ये नहीं बताना कि यार हमें कितना करना है, कैसे करना है, नहीं, तुम्हें बताना है इस केस में हमें डेट को प्रेफरेंस देनी है या नहीं देनी, बस. अगर कैश फ्लो हेल्दी है तो डेट को प्रेफरेंस दो, अगर नहीं है तो मत दो. अब ऑपरेटिंग कॉस्ट की जहां बात आती है, मैंने जानबूझ के ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा है, एंड आई स्किप द वर्ड व्हिच इज फिक्स्ड. ठीक है, ये चीज समझो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है जो बिजनेस के खर्चे होने ही होने हैं, जैसे बिल्डिंग का रेंट हो गया, इंश्योरेंस के पैसे हो गए, एम्प्लॉयज का, फिक्स्ड एम्प्लॉयज की सैलरी होगी, जो होने ही होने हैं, पता है. अगर हमारे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई है तो हम फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट को नहीं बढ़ाएंगे यार, मतलब के जो हमारी डेट की कॉस्ट है दैट इज फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट. अगर हमारे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से बहुत ज्यादा है, हम बेयर कर नहीं पा रहे, तो हम डेट की तरफ रिजॉर्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर कम है तो हम इक्विटी की तरफ रिजॉर्ट नहीं करके डेट की तरफ करेंगे. मतलब अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो हम इक्विटी पे जाएंगे, नहीं है तो हम डेट को भी कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट बीइंग कॉस्ट. अब मैंने जो तुम्हें बताया कि इक्विटी के अंदर कॉस्ट हाई होती है एंड डेट के अंदर कॉस्ट लो होती है, तो हमारे सामने भाई किसको प्रेफर करेंगे, डेट को प्रेफर करेंगे. बट ये चीजें इतनी एब्सोल्यूट नहीं चलती, हमें ये नहीं कहना 100 0 0 100 50 50 46, नहीं, हम बस बता रहे हैं कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको दिमाग में रख के तुम डिसीजन लोगे. कैश फ्लो पोजीशन होती है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है, कॉस्ट अब हमें पता है इक्विटी की ज्यादा डेट की कम है, ये भी कंसिडर करना डिसीजन लेते हुए. फ्लोटेशन कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, जब हम फंड रेज करते हैं तो भी कुछ पैसे लगते हैं. हमने मार्केट में कह दिया कि हमारे शेयर्स अवेलेबल है खरीद लो, उस पूरे प्रोसेस के पैसे होंगे. हमने मार्केट में कह दिया हमारे डिबेंचर्स अवेलेबल है खरीद लो, उस पूरे प्रोसेस के पैसे होंगे. तो फ्लोटेशन कॉस्ट जहां ज्यादा है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, जहां कम है उसको हम कंसीडर करेंगे भाई. ठीक है, रिस्क कंसीडरेशन, अगेन वही बात आ गई, डेट में रिस्क ज्यादा, इक्विटी में रिस्क कम है, इसको भी कंसीडर करके हम डिसीजन लेंगे. कंट्रोल कंसीडरेशन क्या होता है कि हम जब डेट इशू करते हैं तो उस बंदे का हमारे बिजनेस पे कोई हक नहीं है, वो मैनेजमेंट में आके इंटरफेयर नहीं कर सकता. लेकिन जब हम इक्विटी इशू करते हैं उसका पूरा पूरा हक है, वो मैनेजमेंट में आके उंगली कर सकता है कि नहीं ये काम ऐसे कर, ये काम वैसे कर. तो हमने जब ये 25 लाख रुपए शार्क टैंक वाले बंदों से लिए ना, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई अब वो हम पूरे इक्विटी होल्डर हम ही है, सारे डिसीजन हमारे हैं, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा शार्क हो, चाहे वो जितना मर्जी अरबपति हो, वो मेरे बिजनेस पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो अपना अपने घर पे होगा शार्क. ठीक है, ये छोटी सी बात है. एंड लास्ट वन इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट की स्टेट कैसी है बहुत इंपैक्ट करता है. अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे रेट्स चल रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करने को तैयार है, शेयर मार्केट से अप ट्रेंड पे जा रही है, लोग इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो हम इक्विटी रेज कर लेंगे. अगर लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, मार्केट बेयरिश है, शेयर्स डूबे जा रहे हैं, लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, अब लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम डेट इशू कर देंगे. ये कुछ फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हमारा फाइनल डिसीजन आता है. बट तुम्हें कभी भी ये नहीं कहेगा डिसीजन लाओ, रेशियो लाओ, नंबर्स में बात करो, बस ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए. मूविंग अहेड वी हैव डिविडेंड डिसीजन. समझ गए, हमने देखा कि हमने ऐसे ऐसे पैसा रेस कर लिया, 10 लाख हमारे खुद के हैं, 25 लाख हमने डेट लिया था. अब डिविडेंड देने की जब आ रही है ना, मान लेते हैं कि हमने इससे जो काम किया, हमने इस कैपिटल से काम किया, बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास लेट्स से 2 लाख रुपीज के प्रॉफिट है. ठीक है, हमने 2 लाख रुपए कमा ली, बहुत बढ़िया बात, तुम दो दोस्तों ने स्टार्टअप खोला, कूडोस हुई यार, तुमने 2 लाख रुपए कमा लिया. अब डिविडेंड कितना देना है और बिजनेस में कितने अर्न करने हैं, देखो इस 2 लाख में से सबसे पहले तो हमने 25 लाख का जो 12% देना था ना, 25 लाख का 12% कम्स अराउंड 3 लाख रुपए. ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकेंड, नहीं 3 लाख क्यों आएगा यार, कमा लोगी 25 लाख, 25,000
हाँ एग्जैक्टली exactly, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ही आएगा, आई एम नॉट रॉन्ग। 3 लाख रुपए हमने दे दिए, उसके बाद हमारे पास 2 लाख रुपए बचे हैं। अब इस 2 लाख में से कितने पैसे मैं बिजनेस में ही रख दूं और कितने पैसे जो मेरे दो मित्र हैं, एक मैं और एक मेरा और मित्र, जिन्हों हमने 1:1 रेशो में इन्वेस्ट कर रखे हैं, कितने पैसे मैं इस 10 लाख की कोस्ट मान के उनको अपने पर्सनल खर्चे के लिए दे दूं, ठीक है, ये मेरा डिसीजन है। अब इसके इन्फ्लुएंस करने वाले 11 फैक्टर्स है। नंबर 1 इज अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग जितनी ज्यादा, डिविडेंड उतना ज्यादा। अब बहुत बेसिक बेसिक बातें लगेंगी, पर बेसिक बेसिक सुनते जाओ, मजा आएगा। अमाउंट ऑफ अर्निंग जितनी ज्यादा, डिविडेंड उतना ज्यादा। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग जितनी ज्यादा, डिविडेंड उतना ज्यादा। मतलब भैया अगर मेरी अर्निंग ईयर बाय ईयर बहुत ज्यादा स्टेबल है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं हर साल इतने कमा रहा हूं। बिजनेस को जो चाहिए वो है, मुझे बहुत एक्सेस में फंड्स स्टोर करने की जरूरत नहीं है, मैं डिविडेंड दे सकता हूं। अगर मैं अनस्टेबल हूं कि आज इतने कमा लिए कल पता नहीं कमाऊं या ना कमाऊं, तो मैं बिजनेस में इकट्ठे करके रखूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कुछ कंपनीज फॉलो करती है एक पॉलिसी कि मैं इतना डिविडेंड तो दूंगी ही दूंगी, लाइक 10% डिविडेंड मैं पक्का दूंगी, टेंशन मत लो। अगर कंपनी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की पॉलिसी फॉलो कर रही है तो कंपनी उतना ही रहेगी। अगर एक साल बहुत एक्सेस में प्रॉफिट हो गया तो ये नहीं है प्रॉफिट बहुत ज्यादा डिविडेंड बांट देगी, उसको पता है इस साल हुआ है, अगला साल शायद ना हो, तो मैं इनको बहुत ज्यादा डिविडेंड देके इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं रेज करूंगी, ठीक है। कंपनी को पता है, कंपनी का स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है तो वो उतना ही देगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, कंपनी को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, तो कंपनी रिटेन ज्यादा करेगी और डिविडेंड कम देगी। दो ही ऑप्शन है, या तो हम रिटेन करें या हम डिविडेंड दें, उन्हीं में हमें चूज करना है। नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत हेल्दी है तो हम डिविडेंड दे देंगे, अगर हेल्दी नहीं है, हमें पता है कि कल को हमें पैसा चाहिए, पैसा बढ़ाए ना हो, तो हम डिविडेंड नहीं देंगे, हम रिटेन करेंगे। नेक्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। इस केस में शेयर होल्डर कौन है भाई? हम दोनों भाई, ठीक है, हम ही बिजनेस चला रहे हैं, वो बाहर वाले को हमने इंटरेस्ट दे दिया। अब हमारी प्रेफरेंस है कि हम पैसा खुद को दे या ना दे। बट इन अ नॉर्मल केस, कंपनी का केस, मैनेजमेंट अलग होती है एंड ऑनर्स अलग होते हैं। तो मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेने से पहले ऑनर्स की प्रेफरेंस सोचनी चाहिए कि वो ऑनर क्या चाहता है। एट द एंड डिविडेंड ज्यादा मिले, कंपनी में रिटेन ज्यादा हो, उसकी प्रेफरेंस को भी देखना जरूरी है। टैक्सेशन पॉलिसी। अब ध्यान रखना, यहाँ जो टैक्सेशन है ना, जो तुम हमेशा सोचते हो कि मुझे हेडिंग बता दो आगे का मैं लिख लूंगा, ऐसा नहीं होता मेरे पास। जो तुम टैक्सेशन समझ रहे हो वो टैक्सेशन नहीं है। जब एक ऑनर को डिविडेंड मिलता है, दैट्स आल्सो एन इनकम। गवर्नमेंट कहती है कि उस इनकम पे भी तुम टैक्स भरो। अगर किसी ईयर गवर्नमेंट ने ऐसा रेज कर दिया कि इस साल डिविडेंड पे 50% टैक्स, मान लेते, सरकार को भी पता है, कंपनी को भी पता है, ऑनर्स को भी पता है, ऑनर्स कहेंगे भाई इस साल हमें डिविडेंड मत दे, कंपनी में पैसा रख, हमारी ही कंपनी है ना, तू रख कोई बात नहीं, अगले साल दे दे डिविडेंड। इस साल डिविडेंड आएगा 50%, तो हमें सरकार को देना पड़ जाएगा। तो टैक्सेशन पॉलिसी को भी कंसिडर करते हुए डिविडेंड का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है कि यार टैक्स कितना लग रहा है, उसके हिसाब से वो बंदा कितना खुश होगा, इस साल दे या पिछले साल दिया होता तो बेहतर होता या अगले साल दे, वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। ओके भाई, कूल। इसके अलावा स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन रहने वाला है, ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि यार अगर मैं डिविडेंड दे दूंगा तो मार्केट में हवा आ जाएगी, कंपनी ने इतना अच्छा डिविडेंड दे दिया, मेरे शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। डिविडेंड देने से भी मेरा एंड गोल क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एंड गोल था शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। हर जगह हम ये देखते हैं शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, तो अगर मैं डिविडेंड दे दूंगा तो मार्केट में हवा बन जाएगी, इस कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, मेरे पर शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ गई, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा अगर मुझे मार्केट में मेरी हवा बनानी है तो। दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। कुछ कंपनीज होती है इनका कैपिटल मार्केट से बहुत ईजी एक्सेस होता है कि जब मुझे चाहिए मैं जाके और शेयर्स इश्यू करूंगा और पैसा उठा लूंगा, मेरे लिए तो बहुत ईजी है। अगर कंपनी के लिए पैसा रेज करना इतना ईजी है, रेजिंग मनी इज वेरी ईजी, तो वो रिटेन नहीं करेगी, वो डिविडेंड दे देगी कि जब चाहिए होगा पैसा जाके ले लेंगे यार। लेकिन अगर किसी कंपनी के लिए रेज करना मुश्किल है, उसके इतने लिंक्स नहीं है, नेटवर्क्स नहीं है, उसको इतना इजीली फीजिबल नहीं पड़ता, तो वो रिटेन करेगी। इसके बाद आती है 2 चीजें, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, अब उनको देखते हुए भी हमें डिसीजन लेना है। लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं यार, सपोज गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हारा जो डिविडेंड है दैट शुड नॉट एक्सीड द एवरेज डिविडेंड ऑफ योर पास्ट 3 ईयर डिविडेंड। मैंने पिछले 3 सालों में जितना भी डिविडेंड दिया परसेंटेज में, उसके एवरेज से ज्यादा मैं इस साल नहीं दे सकता। एंड गवर्नमेंट कहती है डिविडेंड देने के बाद जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग तुम्हारी कंपनी की 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा होनी चाहिए। मान लो एक कंपनी की कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी, इधर होगी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का 15% इज 1.5 लाख रुपए, इससे ज्यादा बचना चाहिए। तो तुम एट मैक्स मैं यहाँ पे 50,000 डिविडेंड दे सकता हूँ। कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है, लीगल कंस्ट्रेंट्स है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स की जहां बात आती है, मान लो बैंक मुझे लोन दे रहा है, तो बैंक को पता है अगर कल को ये लोन पूरा नहीं कर पाता तो मैं इसकी कंपनी बिकवा लूंगा, मेरे पास ये पावर है। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाता है, अगर तुम किसी से डेट पे पैसा उठा रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी लिखवा सकता है कि तुम अपनी कंपनी में
इतने परसेंट से ऊपर डिविडेंड नहीं दोगे, तुम रिटेन करोगे, क्योंकि जो डिविडेंड दे दिया वो तो मालिक का पैसा हो गया, वो इंडिविजुअल हो गया, वो चला गया, वो कंपनी का पैसा नहीं रहा ना। कल को अगर कंपनी को बेचना पड़े वो लोन उतारने के लिए, तो वो पैसा भी तो निकले, तो वो लोन वाला बंदा भी, वो डेट वाला बंदा भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में बांध सकता है मेरे भाई, कि आप एक काम करो, ये जो 25 लाख रुपए आपने लिए, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में बांध सकता है कि आने वाले 10 साल है तो आप मिनिमम 5 साल तक 0 डिविडेंड दोगे। ये आपको ये धक्का कर सकता है, क्योंकि अगर आप डिविडेंड ही देते रहोगे तो क्या पता कल को आप मेरा पैसा ना चुका पाओ, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकता है, एंड अगर उसने लिखा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये 11 फैक्टर्स थे डिविडेंड डिसीजन वाले। अब ये इतने सारे फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, ठीक है, मजा आ गया, बहुत स्मूथ हो गया भाई, ये कहानी चलती रहेगी, कहानी में आगे और चीजें भी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी पसंद आया हो, किसी भी चीज में मजा आया हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ भी फैसिनेटिंग लगा हो मुझमें इस सिलेबस में, इस चैप्टर में, इस कॉन्टेक्स्ट में, या एनी पॉसिबल थिंग भाई, तो जाके एडिकैप्टन का एक बार फ्लैगशिप कोर्स जरूर चेक करना, एंड स्टे ट्यून्ड, कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, कल नहीं आई गेस 2 दिन बाद मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एंड उसके अंदर विल डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप इबिट ईपीएस एनालिसिस, और तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे और तुम्हें अच्छे से सुचवाएंगे समझवाएंगे, ठीक है। आई डोंट नो इफ ये वर्ड्स एग्जिस्ट भी करते हैं, सुचवाएंगे समझवाएंगे, बट समझवाएंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच, जो भी फीडबैक हो देना जरूर, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना।